सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक। नमस्कार, मैं चेतना सिन्हा आप सभी का स्वागत करती हूँ सर्च इंडिया न्यूज। और आइए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। सर न बोलने पर पीट पीट कर किया आदमरा। नोएडा के जेएसएस इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक छात्र से हुई रैगिंग। नोएडा सेक्टर 62 स्थित जेएसएस इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक फाइनल ईयर के 4 छात्रों द्वारा बीटेक प्रथम वर्ष के छात्र के साथ रैगिंग करने की घटना सामने आई है। आरोपियों ने भैया की जगह सर न बोलने और सीनियर छात्रों का काम न करने पर कॉलेज के ही हॉस्टल में छात्र की जमकर पिटाई की। इससे उसके कंधे की 5 हड्डियां टूट गई हैं। पुलिस ने चारों छात्रों के खिलाफ हत्या प्रयास सहित विभिन्न धाराओं के केस दर्ज किए हैं। वहीं कॉलेज प्रबंधन ने चारों आरोपी छात्रों को निलंबित कर मामले की जांच के लिए एक कमेटी गठित कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में अलीगढ़ के न्यू अशोक नगर कॉलोनी निवासी सजल वार्ष्णेय ने बताया कि वह सेक्टर 62 स्थित जेएसएस इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक प्रथम वर्ष का छात्र है। सजल कॉलेज के ही हॉस्टल में रहता है। सजल ने बताया कि वह 7 दिसंबर की रात को हॉस्टल के कमरे में पढ़ाई कर रहा था, तभी उसके रूममेट उत्कर्ष के मोबाइल पर सीनियर की कॉल आई। सीनियर ने सजल से असाइनमेंट पूरा करने के लिए कहा, इस पर सजल ने इनकार कर दिया। फिर सीनियर ने उत्कर्ष को अपने 101 नंबर कमरे में बुलाया। उन्होंने उत्कर्ष के मोबाइल से सजल के नंबर पर कॉल कर अपने कमरे में बुलाया। सजल उनके कमरे में चला गया। सजल ने बताया कि कमरे में 4 सीनियर मौजूद थे। आरोप है कि सभी नशे में धुत थे। असाइनमेंट न करने पर सीनियर ने सजल को गोलियां देनी शुरू कर दी। सजल ने उनसे कहा कि वो अपना काम कर रहा है, इस वजह से उसके पास समय नहीं है। सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक।